झांसी वाली रानी। जितना भागना है भाग लो, रास्ते में मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एक हिंदुस्तानी शेर को देखकर गिदड़ की तरह भाग गए, हिम्मत है तो सामने आ फिरेंगे। सामने आप, सामने तो तुम्हारा असली चेहरा आएगा भारत। पिछले 14 साल से मैं इस मोमेंट का वेट कर रहा था। पहले मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा, फिर तुम्हें खत्म करूंगा। आज होगा इस लेजेंडरी भारत की स्टोरी का द एंड। ऐसे लगता है मैंने इन आंखों को कहीं देखा है। शेर को चूहा समझने की भूल मत करो। आज क्या है, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ खाओगे। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे जैसे शैतान बाप ही लक्ष्मीबाई जैसे बच्चे को पैदा कर सकता है। चलो अच्छा हुआ, मरने से पहले तुम्हें हमारे रहस्य का पता चल गया। मरोगे तो तुम। भारत को मारना तुम जैसे कायरों के बस की बात नहीं, क्योंकि भारत कोई व्यक्ति नहीं, देश प्रेम की वो भावना है जो हमारी मातृभूमि पर हर रोज जन्म ले रही। एक भारत मरेगा तो करोड़ों भारत जन्म लेंगे। किस किस को मारोगे तुम मुट्ठी भर अंग्रेज? ध्यान रख रॉस, हमारी मातृभूमि पर उस चिंगारी ने जन्म ले लिया है जो तुम्हारे साम्राज्य की चिता जलाकर तुम सबको भस्म कर देगी। तुम खुद मरने आ गए, अब तुम्हें तुम्हारे बाप से पहले मरने का शौक है तो मैं क्या करूं? मनु, तुम मुझे सपने में आकर डराती हो,
कि मुझे मार डालोगी? Just watch how I kill you. तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा, आज से पहले आपकी मनु को इतना सुकून कभी नहीं मिला। आज हमारे मातृभूमि के सर से इतने बड़े पापी का बोझ जो हटाया हमने, पर ये तो बस शुरुआत है। हम वचन देते हैं अपनी मातृभूमि को घात लगाने वाले इन फिरंगी राक्षसों से अपनी मातृभूमि को हम आजाद करके रहेंगे। कैपिटल रॉस ने जो कुछ की दिया हम बहुत शर्मिंदा है। कैप्टन के साथ जो हुआ वो डिजर्व करता था। I personally apologize to the king and the queen for this. क्षमा कीजिएगा फ्रेजर साहब, पर आपको उनकी हरकतों पर पहले ही अंकुश लगाना चाहिए था। पर आप तो उनके घटनाओं पर पर्दा डालते रहे, इसलिए दोष तो आपका भी हुआ ना फ्रेजर साहब। और ये घटनाएं दोहराए ना जाए इसलिए हमें इसकी सूचना कलकत्ता में वाइसरॉय तक पहुंचानी होगी। हम यहाँ आपस के रिश्ते कॉर्डियल करने की सोच रहे हैं, और आप अभी तक हमसे नाराज है? इनफैक्ट मैंने तो खुद वाइसरॉय को लेटर लिखा था कि किंग गंगाधर को सारे राइट मिलने चाहिए, एंड उनका अप्रूवल लेटर आज सुबह आ भी गया। और मैं यहां आप लोगों को ये गुड न्यूज देने आया था कि फ्रॉम हेंस फोर्थ किंग गंगाधर राव नेवालकर शैल नॉट बी जस्ट अ किंग इन नेम, बल्कि आज से उनके पास किंग के सारे राइट एंड पावर होंगे। क्या? यस योर एक्सलेंसी, आज से किंग के पास सारे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगे। वो डायरेक्टली लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और अब हम नहीं वो हमें सैलरी देंगे। टू मेंटेन एन आर्मी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द झांसी किंगडम। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब अंग्रेजों को रानी लक्ष्मीबाई के कारण विवश होकर महाराज गंगाधर को एक राजा के सारे अधिकार देने पड़े, और उनके शासनकाल में झांसी और आसपास के इलाकों में अपराध दर कम होता गया। महाराज गंगाधर ने साबित कर दिया कि वो एक कुशल और लोकप्रिय शासक हैं।
सन 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और आते ही ठीक 4 महीने बाद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जैसी अन्यायपूर्ण नीति को हिंदुस्तान में लागू किया। इस नीति को हड़प नीति का भी नाम दिया गया। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इस सिद्धांत के अनुसार वो राजा जिनका कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं है वो शासन करने का अधिकार खो देंगे। द फैमिली हैज टू फॉरफिट इट्स राइट ओवर द किंगडम। महाराज, हमारे विवाह को 9 वर्ष हो गए पर हमारी कोई संतान नहीं है। ये दुख हमें दिन रात सताता है कि हम झांसी को उत्तराधिकारी नहीं दे पाए। हमने संतान के लिए मन्नत मांगी है, हम चाहते हैं कि हम तीर्थ स्थलों में जाकर आशीर्वाद मांगें। शायद उनके आशीर्वाद से हमारी गोद भर जाए। और हमने तीर्थ स्थलों की सूची भी बना रखी है, आप हमें ले चलेंगे ना? हम अभी राजगुरु जी से कहकर तीर्थ यात्रा की तैयारी आरंभ कराते। हृदय में अपार आस्था और विश्वास लेकर महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई की तीर्थ यात्रा आरंभ होती है। ये शुभ यात्रा बनारस की पावन भूमि से गया और फिर पवित्र प्रयागराज तक चली। और कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई की सच्ची प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। महाराज, महादेव की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये क्षण दोनों के जीवन का सबसे सुखद क्षण था। आखिर ईश्वर की कृपा से झांसी को मिलने वाला था झांसी का उत्तराधिकारी। पर ये खुशियां क्षणिक थीं, क्योंकि शिशु अत्यधिक कमजोर था। लाख प्रयत्न करने पर भी उसका वजन नहीं बढ़ रहा था। शिशु के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पंडित दिन रात मंत्रोच्चारण कर रहे थे, पर इस बार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। झांसी के उत्तराधिकारी की मृत्यु, वो भी जन्म के ठीक 3 महीने बाद। महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया, झांसी के घर आंगन में मातम छा गया। अपनी संतान की मृत्यु ने महाराज को तोड़कर रख दिया। कई महीनों तक महाराज ना तो ढंग से भोजन ग्रहण करते थे और ना ही सोते थे। हर बात में क्रोधित हो जाते और हर चीज में अपनी रुचि खो बैठे थे महाराज। इसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और सिंहासन पर विराजने वाले महाराज गंगाधर के लिए बिस्तर से उठना भी संभव नहीं था। एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने अपना उपचार केवल आयुर्वेदिक वैद्यों से ही करवाया। रानी लक्ष्मीबाई अपने पति की सेवा पूर्ण निष्ठा से करती रही और अचानक 19 नवंबर 1853 की सुबह महाराज गंगाधर ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारी लाहौरी मूल लाला फतेह चंद के साथ अपनी रानी लक्ष्मीबाई को भी बुलाया। हम एक बालक को गोद लेना चाहते हैं राजगुरु जी, दत्तक पुत्र के रूप में। कार्य के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त निर्धारित कीजिए। जी महाराज। पर महाराज, हमें किसी ऐसे बच्चे को ढूंढना होगा जो नेवालकर वंश का हो, जिससे आगे चलकर वो हमारी झांसी का शासक बन सके। दत्तक पुत्र किसी राजा की वो आखिरी उम्मीद है जिसे गोद लेकर राजा अपनी संपत्ति और राज्य को सुरक्षित महसूस करता है। महाराज गंगाधर के भतीजे
वासुदेव नेवलकर का पुत्र आनंद राव वो बालक था जिसे महाराज गंगाधर और महारानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव नेवलकर रखा गया। किंतु ये खुशी भी क्षणिक थी। 21 नवंबर 1853 वो दुखद दिवस था जब महाराज गंगाधर ने अपनी आखिरी सांस ली और रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। कभी हार न मानने वाली हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद झांसी की सत्ता संभाली, क्योंकि झांसी का उत्तराधिकारी दामोदर राव अभी बहुत छोटा था, पर अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया। We regret to inform you that Lord Dalhousie have asked you to leave Jhansi. And from now, Britishers will rule this kingdom. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। मार्च 1854 को वो दिन अत्यंत दुखदायी था जब लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को अपने अधीन कर लिया। अब एक बार फिर झांसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थी। अंग्रेजों की इस तानाशाही से झांसी की प्रजा में भी आक्रोश की लहर दौड़ गई और रानी लक्ष्मीबाई ने इसका भरपूर विरोध किया, पर डलहौजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा उस दुष्ट डलहौजी ने यह भी ऐलान कर दिया कि दामोदर राव का अधिकार झांसी की राजगद्दी पर नहीं होगा। इतना ही नहीं, लॉर्ड डलहौजी महारानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपए प्रति माह वेतन भेजने लगा, जिसे स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई ने ठुकरा दिया। ये दूर्ध फिरंगी सभ्यता और शिष्टाचार की भाषा समझने लायक ही नहीं है। लगता है इन्हें दूसरी भाषा में समझाना पड़ेगा। 10 जून सन 1857 का वो दिन जब रानी लक्ष्मीबाई ने शेरनी के समान हुंकार कर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। और झांसी के किले पर फतह कर एक बार फिर फिरंगियों के झंडे को हटाकर मुगलों का ध्वज फहरा दिया, जो आजादी की इस पहली लड़ाई में भारतीयों की एकता का प्रतीक था। महारानी की ये जीत झांसी की जीत मानी गई और चारों तरफ इसकी घोषणा करवाई गई। ये धूर्त अंग्रेज मौके की तलाश में थे और उन्हें जल्द ही वो मौका मिल गया जब इन अंग्रेजों ने झांसी पर चारों तरफ से हमला कर दिया। इन धूर्त फिरंगियों की मंशा थी कि रानी लक्ष्मीबाई के धड़ को काट कर अलग अलग स्थानों पर लटका दिया जाए, जिससे वो हर हिंदुस्तानी को ये बता सके अंग्रेजों से बगावत करने वालों का यही हश्र हो है और लोगों में भय के बीज बो सके। पर रानी लक्ष्मीबाई इन दुष्ट फिरंगियों की घृणित सोच से भली भांति अवगत थी, इसलिए लड़ाई में बुरी तरह घायल रानी लक्ष्मीबाई अपने मुख को अपने वस्त्र से बांधकर वहां से सीधा भागकर अपने गुरु गंगादास के आश्रम में पहुंच जाती हैं। आश्रम पहुंचते ही वो गंगादास से वचन लेती हैं कि गंगादास रानी लक्ष्मीबाई के शरीर को शीघ्र जला दें, ताकि धूर्त फिरंगी इस वीरांगना के पवित्र शरीर को हाथ तक ना लगा सके। और 18 मार्च 1858 वो ऐतिहासिक दिन था जो हिंदुस्तान की इस बेटी की वीरता की कहानी गर्व के आंसू बहाकर सुना रहा था। और महान रानी लक्ष्मीबाई का शरीर जलकर भी अंग्रेजों को उनकी हार का संकेत दे रहा था। उधर रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरपंत ने भी अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया, पर दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने उन्हें भी बंदी बनाकर 19 अप्रैल 1858 को फांसी पर चढ़ा दिया।
भले ही अपनी अंतिम लड़ाई में ये वीरांगना जीत नहीं पाई, आजादी के स्वप्न लिए जन्मी इस महान नायिका का सपना तब पूरा हुआ जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली रानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन। साहस और सम्मान में लिपटी जिसकी हर एक कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी।